हम आपके समक्ष न्याय दर्शन में प्रमेय इसकी चर्चा कर रहे थे। इसके पूर्व प्रकरण में हम कुछ प्रमेयों की चर्चा किए हैं। इस प्रकरण में हम अन्य अवशिष्ट प्रमेयों के विषय में चर्चा करेंगे। जो प्रमेय सामान्य परिचय इस प्रकरण से गृहीत होगा, अर्थ जो कि परिगणित प्रमेयों में से अन्यतम है, आत्म शरीरेन्द्रियार्थ बुद्धिमन प्रवृत्ति दोष प्रत्यभाव फल दुखापवर्गास्तु प्रमेयम्। महर्षि गौतम के इस सूत्र से हम चतुर्थ प्रमेय के रूप में अर्थ नामक प्रमेय को जानते हैं। वैशेषिक सूत्रकार महर्षि कणाद का यह कथन है कि अर्थ द्रव्य गुण कर्मसु, अर्थः इति द्रव्य गुण कर्मसु, वह तीन को अर्थ शब्द से व्यवहार करते हैं। महर्षि गौतम का भिन्न मत है। यह अर्थ शब्द से रूप रस गंध स्पर्श और शब्द को ग्रहण करना चाहते हैं, जो कि सूत्र बतलाते हैं गंध रस रूप स्पर्श शब्दाः पृथिव्यादि गुणास्तदर्थाः। पृथ्वी से गंध की उत्पत्ति हुई, जल से रस की उत्पत्ति हुई, तेज से रूप की उत्पत्ति हुई, वायु से स्पर्श की उत्पत्ति हुई, आकाश से शब्द की उत्पत्ति हुई। एतावता महर्षि गौतम की दृष्टि में ये पांच अर्थ शब्द से व्यवहार करने योग्य है, जो कि रूप रस गंध स्पर्श और शब्द के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रमेय बुद्धि है। बुद्धि को ज्ञान भी कहा जाता है। 14 जो न्याय दर्शन में परिगणित रूप रसादि हैं गुण, उन गुणों के भीतर यह बुद्धि भी गिना गया है। इसलिए सर्वव्यवहार हेतुर गुणो बुद्धिर ज्ञानम, ऐसा तर्क संग्रहकार कहते हैं। दुनिया में जितने भी व्यवहार के कारण हैं, वह उन कारणों में अन्यतम कारण बुद्धि है। बिना बुद्धि के हम दुनिया का कोई भी व्यवहार संपादित नहीं कर पाते हैं। न्याय सूत्रकार महर्षि गौतम कहते हैं बुद्धि रूपलब्धि ज्ञानम इत्यनर्थांतरम। बुद्धि उपलब्धि ज्ञान ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए यह ज्ञान का ही एक भेद है, एक पर्यायवाची शब्द है। तर्क संग्रह में सर्वव्यवहार हेतुर गुणो बुद्धिर ज्ञानम, ऐसा अन्नम भट्ट लिखते हैं। तर्क भाषाकार केशव मिश्र कहते हैं अर्थ प्रकाशो बुद्धि, जिससे अर्थ का प्रकाश हो अर्थात अर्थ का ज्ञान हो। हम चर्चा कर चुके हैं अर्थ शब्द से रूप रस गंध स्पर्श और शब्द को हम जानते हैं। इन पांच अर्थ का प्रकाशन, इन पांच अर्थों का ज्ञान जिसके द्वारा हो उसे हम बुद्धि शब्द से कहते हैं। मन सुखादि साक्षात्कार कारणत्वे सति इंद्रियम मनः। सुख दुख इत्यादि साक्षात्कार का जो कारण है उसे हम मन कहते हैं। पूर्व में भी हम चर्चा किए थे बिना मन के किसी भी विषय की संवेदना, किसी भी विषय का ज्ञान संभव नहीं है। सुख दुख का जो ज्ञान होता है वह बिना मन की सहायता से संभव ही नहीं है। इसलिए सुख दुख आदि साक्षात्कार का जो कारण है वह मन कहलाता है। इसलिए तर्क संग्रह में लिखते हैं सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। यह मन अंतर इंद्रिय के रूप में परिगणित है, इसलिए सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। साक्षात्कारे सुखादीनाम करणम मन उच्यते। यह विश्वनाथ पंचरण भट्टाचार्य
अपने कारिकावली नामक ग्रंथ में लिखते हैं। सुखादि का साक्षात्कार का जो कारण है उसमें यह कारण मन है। मन के परिमाण के संबंध में चर्चा करते हुए लिखते हैं, यह मन अणुरूप है, यह मन अनंत है, क्योंकि प्रत्येक शरीर में यह मन रहता है और शरीर के अनंत्य से मन को भी हम अनंत मानते हैं। यह मन नित्य है क्योंकि परमाणु रूप है, और परमाणु रूप जो मन होता है या और कोई भी परमाणु है वह नित्य ही होता है, ऐसा न्याय का सिद्धांत है। मन को अणु मानने के पीछे एक प्रमाण है, अयोग पद्याज ज्ञानानाम तस्याणुक्त मिहस्यते। कोई भी ज्ञान, कोई भी दो ज्ञान एक कालावच्छेदेन संभव नहीं है, एक ही काल में दो ज्ञान संभव नहीं है। ज्ञान हमेशा अयुगपत होता है, अर्थात क्रमिक होता है। एक काल में एक ही ज्ञान होगा। चक्षुरिंद्रिय के साथ मन का यदि संबंध होगा तो रूप विषयक ज्ञान होगा, रसनेन्द्रिय के साथ मन का संबंध होगा तो रस का ज्ञान हो पाएगा। एतावता हमें ऐसी प्रतीति होती है कि एक समय में ही हम रूप रस गंध स्पर्श का ज्ञान कर लेते हैं, पर यह साक्षात भ्रम है। यह ज्ञान हमेशा क्रमिक होगा, क्योंकि मन इतना सूक्ष्म और इतना वेगवान है जिसे तुरंत एक दूसरे इंद्रिय के साथ में संपर्क होने में समय नहीं लगता है। जैसे शतपत्र छेदन में हमें प्रतीति होती है कि एक काल में ही हम 100 पत्र का छेदन कर दिए हैं, लेकिन होता नहीं है। प्रथम पत्र में छेदन के अनंतर ही द्वितीय पत्र में छेदन हो पाता है, ऐसे 100वें बार में हम शतपत्र छेदन कर पाते हैं। यह मन के अत्यंत गतिशीलता का और ज्ञान के क्रमिक होने में यह प्रमाण है कि मन अणु है। मन द्रव्य है, क्योंकि कारिकावली में ऐसा आया है, पृथिव्यापस्तेज वायुराकाशम आकाश काल दिगात ममनांसी नवैव। 9 प्रकार के द्रव्य होते हैं, जिसमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक आत्मा और मन, ऐसा 9 द्रव्यों की चर्चा विश्वनाथ पंचारण भट्टाचार्य अपने कारिकावली नामक ग्रंथ में करते हैं। मन में 8 प्रकार के गुण होते हैं और यह गुण समवाय संबंध से रहेंगे, क्योंकि मन द्रव्य है और गुण गुणी में समवाय संबंध से रहेगा। ये 8 गुण हैं, संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व और वेग। ये 8 गुण समवाय संबंध से मन में रहते हैं। प्रवृत्ति, सूत्रकार गौतम कहते हैं, प्रवृत्तिर्वाग बुद्धि शरीरारंभ। वाणी, वाणी बुद्धि अर्थात मन और शरीर, इन 3 के द्वारा होने वाली जो प्रवृत्ति है, होने वाली प्रवृत्ति का जो कारण है उसे हम प्रवृत्ति के रूप में जानते हैं। बिना ज्ञान के जानाति इच्छति और यतते, यही क्रम है। पहले ज्ञान होता है, फिर इच्छा होती है, अनंतर में प्रवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति 2 प्रकार की होती है। एक प्रवृत्ति पाप को पैदा करती है, पापात्मिका प्रवृत्ति। दूसरी प्रवृत्ति पुण्यात्मिका प्रवृत्ति होती है। जो पुण्यात्मिका प्रवृत्ति होती है इससे धर्म की उत्पत्ति होती है, धर्म के लिए यह प्रवृत्ति होती है, और पापात्मिका जो प्रवृत्ति होती है वह अधर्म के लिए होती है। ये प्रवृत्ति जब शरीर से हो तो शरीर से किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, शरीर से दान परित्राण और दूसरे की सेवा, वाणी से सत्य बोलना प्रिय बोलना और स्वाध्याय करना, मन से दया अस्पृहा और श्रद्धा, ये प्रवृत्ति धर्म के लिए होती है, और शरीर से हिंसा चोरी प्रतिसिद्ध का आचरण, वाणी से
झूठ बोलना, कठोर बोलना, कुत्सित बोलना और मन से दूसरे के प्रति द्रोह, ईर्ष्या, नास्तिकता, ये सब प्रवृत्ति अधर्म के लिए होती है। इन सारी प्रवृत्तियों से अधर्म की उत्पत्ति होती है। तो इस कक्षा में हम इतने प्रमेय की चर्चा करते हैं। अगली कक्षा में हम और प्रमेय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।